कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। इसीलिए हम आपको अभी भी बोल रहे हैं भाई कि आपके अपने भी फैमिली है ना, वो भी आपको एक टाइम के लिए छोड़ देगा। देखिए लड़का है ना, लड़का स्मार्ट और हैंडसम नहीं होता है भाई, लड़का अमीर और गरीब होता है। और हर एक के ज़िंदगी में कोई ना कोई होती है, मेरे भी ज़िंदगी में कोई थी, बट नौकरी नहीं होना, बेरोज़गारी होना और घर का वो मतलब बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं होना। 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा और 7 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 15 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब गया को छोड़ के आपका हर जगह पे एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल बारिश का मौसम किया है दोस्त, और जस्ट अभी परेड का तैयारी करके आए हैं POP का और नाश्ता करके आप लोग के सामने। वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि कल एक नोटिस आया है मेरे पास में, रात में समथिंग 11 बजे के आसपास आया है। शायद मेरा आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है नहीं, आई डोंट नो, बट हवा बहुत तेज़ चल रहा है यार। तो कल रात में एक नोटिस आया है, ठीक है, बिहार पुलिस एडमिट कार्ड के बारे में, और उसके बारे में बताया गया कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग को बता रहे थे ना कि 24 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो अब 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास नोटिस है, अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर आप लोग को नोटिस हम दिखा देंगे, ठीक है। वैसे हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे वहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 24 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक, और 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा, 7 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा और 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है और दो पाली में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए भाई। हम आपको पहले भी बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको कि GK GS जो 70 नंबर का पूछा जाता है पूरे ऑल ओवर बिहार पुलिस में, ठीक है, इसके एग्ज़ाम में, जिसमें 15 नंबर का आपका मैथ रहता है, 15 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश रहता है, 5 से 7 नंबर यानी 10 नंबर के समथिंग में अप्रॉक्स में आपका बिहार स्पेशल GK GS रहता है, और सबसे ज़्यादा जो समंदर है ना GK GS का, वो 70 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग के पास 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है, अभी 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी फ़िलहाल 9 तारीख को हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने स्तर से तैयारी कीजिए दोस्त। देखिए अब मैं एक बात बताएंगे ना तो आप लोग को लगेगा कि ये बंदा यार फेंक रहा है, ये मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है भाई, आज बिहार पुलिस बनने से पहले ना हम दिल्ली भी काम किए हैं, ठीक है, डिलीवरी कंपनी में टेली का काम करते थे। डिलीवरी होता है कि कुरियर, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन का होता है ना, उसी में टेली का काम करते थे, एरिया बाय एरिया डिस्पैचिंग का काम होता है ना। डिलीवरी बॉय नहीं थे, लेकिन वो जो सामान आता था ना हम में एयरपोर्ट से, तो उसको ना मतलब सिस्टम पर चढ़ा के और एरिया बाय एरिया डिस्ट्रीब्यूट करवा देते थे, बांट के 21 से 22 हज़ार का मंथली कमाते थे भाई। कोई कितना भी अपना होता है ना दोस्त, अपना नहीं होता, ठीक है, कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। इसीलिए हम आपको अभी भी बोल रहे हैं भाई कि आपके अपने भी फैमिली है ना, वो भी आपको एक टाइम के लिए छोड़ देगा। देखिए लड़का है ना, लड़का स्मार्ट और हैंडसम नहीं होता है भाई, लड़का अमीर और गरीब होता है। और लड़की लोग, देखिए मिडिल क्लास फैमिली से आने का मतलब है यार कि आप अपने बहन का शादी करो, अपना मेंटेनेंस करो, अपने फैमिली का मेंटेनेंस करो, अपना देखो, सब चीज़ उसके कंधे पर रहता है, और ख़ास करके लड़का का जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो इतना ही बोलेंगे दोस्त, समय बहुत कम है, आप लोग तैयारी कीजिए और जितना ज़्यादा हो आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ने पे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत चीज़ है जो पैसे पे होता है, ठीक है, हम डायरेक्टली बोलते हैं भाई, ओपन बोलते हैं, हम आप ही लोग के बीच से निकले हुए लड़का हैं, ठीक है, हम जो भी बोलेंगे खुल के बोलेंगे। बहुत चीज़ पैसे पे होता है, लेकिन बहुत चीज़ पैसे से नहीं होता है। बहुत सारा लड़का लोग, लड़की लोग कमेंट करते हैं कि भैया मेरा पैसा फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप लोग फंसने का काम करते यार, हम कहाँ फंसे पता है। जितना सबर हम किया है ना नौकरी के लिए, 2015 में मैट्रिक किए, 2017 में इंटर किए और 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसी के बीच में हम 2017 से कंटिन्यू 3 साल तक आर्मी का तैयारी किया है, 3 साल तक रनिंग किए हैं। कभी वैकेंसी आता था, कभी नहीं आता था, कभी रनिंग में छट जाते थे, कभी मेडिकल में, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब ये लग रहा था ना कि ज़िंदगी ने एक बोझ की तरह, और गांव में आप रहिएगा ना तो फिर इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, यारी दोस्ती, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बहुत तरह का सवाल होता है। इसके बाद ना हम चले गए पटना, 3 साल तक हम पटना में तैयारी किए हैं पढ़ के, 3 साल कंटिन्यू, और फिर ना खुमार चढ़ा हमको सिंगिंग करने का, सिंगर बनने का। वैसे हम थोड़ा अच्छा खासा सिंगिंग कर भी लेते हैं, लेकिन आज तक ये कोई वो नहीं हुआ। तो उस टाइम ना कोरोना चल रहा था, हम 8415 वाले वैकेंसी से बहाल हैं, ठीक है भाई। 8415 वाले में ना 14 मार्च को हम एग्ज़ाम दिए थे सेकंड शिफ्ट में, और आप लोग ध्यान से मतलब एक बार पता कर लीजिएगा, 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में कितना लड़का का मतलब कितना स्टूडेंट का रिजल्ट बना था पता है, 12,000, ओनली फॉर 12,000 स्टूडेंट का रिजल्ट बना था 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट में। इतना हार्ड एग्ज़ाम था और इतना कड़ा किया हुआ था, हर एक सेंटर पे जैमर, उसके बाद आपका वो शिक्षक जो होते हैं, इतना टाइट किया हुआ था।
इतना हार्ड किया हुआ था, सिर्फ ओनली फॉर 12,000, उसमें हम भी थे, ठीक है। फिर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद घर में थोड़ा कुछ मतलब इधर उधर का हो गया, होता है यार, लड़का है यार, उसके ज़िंदगी में आराम थोड़ी है, स्ट्रगलिंग, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल कीजिएगा ना भाई, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा बाद में आपको। हमको भी लग रहा था यार कि क्या ज़िंदगी हो गया एकदम बोझ से, 22-23 साल की उम्र में मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है, कमाने बाहर जाओ, घर का स्थिति ठीक नहीं, पापा बीमार थे, फिलहाल पापा भी नहीं है, पापा डेथ कर गए हैं, बट कोई नहीं, घर का जिम्मेदारी है अपने ऊपर और आप लोग के ऊपर भी घर का जिम्मेदारी होगा, तो इस वजह से ये सोच के पढ़ना है, ठीक है। 9-10 महीना तक कंटिन्यू हम वेट किए भाई रिजल्ट का, दिल्ली हम गए, 2 महीना तक काम किए दिल्ली में डिलीवरी कंपनी में, उसका वीडियो भी हम यूट्यूब पर डाले हैं, आप लोग देख भी लीजिएगा। उसके बाद 2 महीना काम किए, फिर मन नहीं लगा, फिर हम छठ पूजा के टाइम में घर आ गए, घर आ गए, उसके बाद हम गए नहीं, फिर 6 दिसंबर को रिजल्ट आ गया बिहार पुलिस का, 6 दिसंबर और 2020 को, सॉरी 21 को, हाँ 6 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद फिर पहले से फिजिकल करते ही थे, आर्मी का तैयारी किए थे, सीआरपीएफ का गए थे तैयारी करने के लिए, उसके बाद फिर बिहार पुलिस का तैयारी किए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बिहार पुलिस का निकाले। और पैसा के बारे में बोलेगा ना दोस्त, तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, मतलब देखिए हम नहीं लगाए तो हम कैसे बोल दें आप लोग, और इतना ही बोलेंगे दोस्त जम के तैयारी करना है। देखिए बहुत सारे लड़का और लड़की लोग कमेंट करते हैं भैया, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, हर एक का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पे जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हैं उसका हम रिप्लाई जहाँ तक होता है वहाँ तक टाइम निकाल के आप लोग के लिए डालते हैं, कमेंट करते हैं और बताते हैं, अच्छे अच्छे सजेस्ट करते हैं। एक लड़का हमको बोल रहे थे कि भैया हमको ना मतलब 50-55-60 के अप्रोक्स में मेरा स्कोर जाता था, कोई भी सेट मारते थे, अभी ना आपके कहने से मेरा 65-70 के समथिंग में जा रहा है। देखिए मेहनत सब कुछ होता है, हम आपके जगह पे थोड़ी रट रहे हैं भाई, हम आपके जगह अपने मेहनत आप कर रहे हैं, बस मेरा काम है आप लोग को मोटिवेट करना, हिंट करना, सपोर्ट करना। आप जिस भी क्षेत्र में बोलोगे ना दोस्त, आपका भाई खड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। आप लोग को अगेन रिपीट कर दे यार, हाँ एक चीज़ और, आप लोग यार बहुत कमेंट करते हैं पापा की परी वाला कहानी बताइए यार। दोस्त देखो अभी हमारे पास ना टाइम नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर हमारे पास 15-17 दिन बचा है पीओपी होने का, हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद कभी समय निकाल के कोई दिन फ्री होगा ना तो फिर आप लोग को बताएंगे पापा की कहानी। देखिए हम भी आप ही को, हम आप ही के बीच से लड़का निकले हुए लड़का है, ठीक है, हमारा भी वही कहानी है जो आपका कहानी होगा। आज मेरे सर पे कैप है बिहार पुलिस का और आपके कैप नहीं है आपके ऊपर, लग जाएगा, मेहनत करना है। देखिए हुआ क्या थी कि हर एक के ज़िंदगी में कोई ना कोई होती है, मेरे भी ज़िंदगी में कोई थी, बट नौकरी नहीं होना, बेरोज़गारी होना और घर का वो मतलब बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं होना, किसी को दिल से चाहना, बहुत सारा बात होता है, मन में ख्वाब लेना कि नहीं यार इससे शादी हो जाए या इससे लव करते हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही था और आपके साथ भी, फिलहाल जो भी हो आई डोंट नो यार, बट एक हिम्मत और जो जुनून जज्बे के साथ ना ये सोच लिए थे कि कुछ भी हो, किसी भी, ऐसा नहीं है भाई कि बिहार पुलिस में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बस नौकरी लेना है अपन को, नौकरी लेंगे तभी उससे शादी करेंगे। पापा नहीं मानेंगे से लेकर ना पापा मान गए और उसकी मम्मी फलना चिलना जो भी हो यार, सब कोई मेरा वीडियो देखती है, ठीक है, वो देखेगी तो शायद बोलेगी भी कि आप क्यों रिवील कर रहे हैं, बट कोई नहीं, आज ना तो कल रिवील करना ही है। तो यही कहानी है दोस्त मेरा, और कभी टाइम मिलेगा तो आपको पूरा स्टोरी बताएंगे, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक का, दिल्ली डिलीवरी कंपनी से काम करने तक के बिहार पुलिस तक का सफ़र, ठीक है, पापा नहीं मानेंगे से लेकर पापा मान गए तक का सफ़र जो है ना अच्छे से साझा करेंगे। और भी कोई आपका सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कीजिएगा, यूट्यूब सेक्शन में भी कमेंट कीजिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। और हाँ आपको अगेन रिपीट कर दें, 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है, 1 सितंबर को आप, 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा और 7 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 15 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले निकलेगा, एडमिट कार्ड में ओनली फॉर लोकेशन रहेगा और डेट सॉरी जगह नहीं दिया रहेगा, ओनली फॉर जैसे कि आपका पटना हो गया, वैशाली हो गया, फलना चिलना ये हो गया, ठीक है, तो लोकेशन रहेगा और 2-3 दिन पहले, या हो सकता है कुछ नियम चेंज हो, पता है कल हम एक वीडियो डाले थे यूट्यूब पे लेकिन उसको प्राइवेट रखना पड़ गया, डिलीट करना पड़ गया, बिकॉज तुरंत से नियम बदल जाता है यार, विभाग है कुछ भी चेंज कर देता है अचानक से। और बिहार में जितना भी बीएमपी का कैंप है ना, जितना भी 20 कैंप है बीएमपी का, ठीक है, अब हर एक जगह पे आपका वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ट्रेनिंग बनेगा, ठीक है, ट्रेनिंग होगा। और एक चीज़ और मैं नोटिस कीजिएगा आप लोग कि बोध गया जो गया के हैं ना, गया में अब की बार एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है,
मतलब गया को छोड़ के आपका हर जगह पे एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। तो गया वाले जितने भी हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि गया में आपकी बार सेंटर नहीं है आपका, ऑल गया में कहीं भी, ठीक है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो उसके अगल बगल में आप लोग का सेंटर दिया जाएगा। तो आप लोग जम के तैयारी करो यार, आओ बिहार पुलिस में, डिपार्टमेंट में स्वागत है। और देखिए निगेटिव हर जगह पे है यार, आप लोग भी कमेंट करते हैं बट उस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, भाई हैं आप लोग अपने और लड़की लोग भी है सब, मेहनत कीजिए, आइए यार, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। बाकी और भी कोई कमेंट हो और भी कोई आपका सवाल हो तो आप लोग जवाब सवाल कीजिए, जवाब मिलेगा आप लोग को, ठीक है। बाकी चलते हैं, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।